18 फीट गुना 12 फीट का घर का हॉल में टाइल्स लगाने का खर्चा। स्टेप वन, हॉल का साइज 18 गुना 12 बराबर 216 स्क्वायर फीट। इस तरह का मेरा हॉल है 18 गुना 12 फीट का। स्कटिंग में जो खर्च होता है, स्कटिंग में लगता है 18 इंच गुना 2 जोड़ 12 गुना 2 36 जोड़ 24 बराबर 60 फीट। स्कटिंग का ऊंचाई 6 फीट लगाता है हर आदमी। 6 फीट को मीटर में बदलने के बाद 0.5 हुआ। स्कटिंग का साइज 60 गुना 0.5 बराबर 30 स्क्वायर फीट हुआ। टोटल मेरा हॉल का एरिया 216 जोड़ 30, जो स्कटिंग में लगा मेरा 30 टाइल्स, उसको जोड़ने के बाद 216 जोड़ 30 बराबर 246 स्क्वायर फीट हुआ। बेस्ट माल जो खर्चा होता है, जो टूट जाता है साइड में लगाने के बाद टूट जाता है, उसको बेस्ट माल 4% टूट जाता है। 246 का 4% बराबर 8.64, इसको राउंड फिगर में करने के बाद 9 स्क्वायर फीट टोटल एरिया हुआ। चार टोटल टाइल्स रहते हैं, 4 फीट बराबर 4 फीट बराबर 4 फीट। बेस्ट माल मिलाने के बाद एरिया हो जाता है 246 जोड़ 9 बराबर 255 स्क्वायर फीट। टाइल्स आता है बॉक्स, 4 बॉक्स में 255 बटे 4 बराबर 63.7 टाइल्स, इसको राउंड फिगर में करने के बाद 64 टाइल्स। तो बॉक्स रहता है 4, 64 बटा 4 बराबर 16 बॉक्स। इसको कॉपी में लिखने के बाद इस तरह सामान हुआ, टाइल्स, सीमेंट, बालू, ग्रेविटी, चिपकाने वाला सीमेंट, मजदूरी, संख्या बॉक्स के संख्या 16, सीमेंट 8 बैग लगता है, और बालू या सैंड एक ट्रैक्टर, और ग्रेविटी का 20 रुपया लगता है, और 256 स्क्वायर फीट है मेरा। दर नैनो टाइल्स का 650 रुपया लगता है, बैग 400 रुपया, सीमेंट का 400 रुपया एक बैग में, और ट्रैक्टर 3200 रुपये में, और 50 केजी का जो है 20 रुपया स्क्वायर फीट मजदूरी लेते हैं। तो टोटल खर्चा हुआ टाइल्स 16 बॉक्स का 10400, सीमेंट 8 बैग का 3200 रुपया, बालू एक ट्रैक्टर का 3200 रुपया, और ग्रेविटी 1000 रुपया, और मजदूरी 5120 रुपया। टोटल मेरा खर्चा हुआ 21920 रुपया। मेरा 18 गुना 12 फीट घर का टाइल्स लगवाने में मेरा टोटल खर्चा हुआ 21920 रुपया। दोस्तों मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छा लगे तो, नहीं तो डिसलाइक कर दो। आपको धीरे धीरे दिखाने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो फिर से अच्छी तरह से वीडियो बना के पोस्ट कर देंगे। प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो।